नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज 27 मार्च, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। डीएम कुमार रवि ने विशाल मेगा मार्ट समेत अन्य संस्थानों को खोलने का जारी किया आदेश। डीएम कुमार रवि ने हाल ही में पटना के विशाल मेगा मार्ट, पीएनएम मॉल, गोल्ड जिम, 99 समेत अन्य संस्थानों को खोलने का ऐलान जारी किया है। डीएम कुमार रवि की माने तो यह आदेश लोगों की दैनिक उपयोग की खाद्य सामग्री की उपलब्धता बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही कुमार रवि ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी अपील की है। वही ध्यान रहे, इन मार्केट्स का खुला सिर्फ आम नागरिकों की सुविधा के लिए ही है। इसका मतलब यह नहीं है कि बंद के ऐलान को वापस ले लिया गया है। बंद के ऐलान के बाद सरकार हुई सख्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुछ दिनों पहले आने वाले 21 दिनों तक समूचे भारत को बंद करने का आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद बिहार सरकार ने भी इसे सख्ती से लागू करने का आदेश जारी किया था, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में बंद की मॉनिटरिंग अब खुद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आम नागरिकों से जरूरी खाद्य पदार्थ की आपूर्ति की चिंता न करने की भी अपील की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम नागरिकों से घरों में रहने का भी आदेश जारी किया है। बंद की वजह से जम्मूतवी में रुके बिहार के सैकड़ों लोग। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बीते कुछ दिनों से भारत के अलग अलग राज्यों को बंद कर दिया गया है। वहीं अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत को बंद करने का ऐलान जारी किया है। वहीं इसी बीच बंद होने के कारण बिहार के सैकड़ों लोगों के जम्मूतवी में होने की खबर आई है। पटना से वैष्णो देवी मंदिर दर्शन करने गए 300 श्रद्धालु जम्मूतवी में ही बंद होने की वजह से रह गए हैं। वहीं अब वह वहीं पर अटके हैं और घर वापसी के लिए सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए बिहार के इस गांव ने खुद ही बंद कर दिया अपना रास्ता। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए और लोगों की आनाकानी देखने के बाद केंद्र सरकार ने पूरे भारत को बंद करने का ऐलान जारी कर दिया है। वहीं बिहार के पश्चिमी चंपारण के एक गांव ने सरकार के फैसले से पहले ही अपने गाँव को पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान जारी कर दिया था, जिसके बाद कोई भी न गाँव में आ सकता था और न ही कोई गाँव से बाहर जा सकता था। खबरों की माने तो पश्चिमी चंपारण जिले के थारू बहुल इलाके की गुजरिया गाँव में लोगों ने खुद को कोरोना से बचाने के लिए कदम उठाया था। बीएसएससी ने इंटर लेवल एलडीसी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की बढ़ाई तारीख। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने हाल ही में पूरे भारत को बंद करने का ऐलान जारी किया था। वहीं जिसका असर बिहार के कई परीक्षाओं पर भी देखने को मिला। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा 2014 के लिए आवेदन की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत अब कैंडिडेट्स 28 मार्च के बजाय 13 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। पटना के IGIMS में भी होगी कोरोना की जांच। पटना के IGIMS को भी बीते गुरुवार से कोरोना की जांच के लिए खोल दिया गया है, जिसके तहत मात्र 12 घंटे में ही कोरोना जांच की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इतना ही नहीं, IGIMS से ही बिहार के सभी नौ मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए सैंपल को भेजा जा सकेगा। वहीं आपको बता दें कि अभी तक कोरोना की जांच की सुविधा सिर्फ अगमकुआं के IMRI में ही थी। वहीं आपको बता दें कि बिहार में अब तक कोरोना के 4 मामलों की पुष्टि भी हुई है। देश भर में बंद के दौरान नहीं लिया जाएगा टोल। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उक्त ऐलान करते हुए यह साफ कर दिया है कि बंद के दौरान किसी भी व्यक्ति से टोल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वैसे भी पूरे देश में अभी बंद का माहौल है। ऐसे में सिर्फ जरूरी सेवा ही चालू है, लोगों को दिक्कत ना हो इसीलिए टोल को फ्री कर दिया गया है, जिसकी जानकारी नितिन गडकरी ने खुद ट्वीट करके दी है। बंद के दौरान राज्य में 500 से अधिक बिहारी हैं मौजूद। कोरोना के बढ़ते असर के कारण केंद्र सरकार द्वारा अचानक बंद के ऐलान के बाद दूसरे राज्य से बिहार आने वालों का लंबा तांता देखने को मिला। वहीं आवाजाही की सारी सुविधाओं के बंद होने की वजह से वह लोग जहां हैं वहीं पर रह गए, जिसके तहत बिहार से बाहर के राज्यों से बिहार के लगभग 500 लोगों के होने की खबर सामने आई है। बीते दिन गुरुवार को श्रम संसाधन विभाग को 500 से अधिक लोगों ने फोन करके घर वापस आने की गुहार सरकार से लगाई है। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा बैंकिंग का काम। कोरोना के बढ़ते असर के बीच लोगों की बैंकिंग से संबंधित सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी बैंकों को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने का ऐलान जारी किया है। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालने पर अब आम नागरिकों को कोई चार्ज नहीं देना होगा। हालांकि प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि बैंक में एक समय पर सिर्फ 5 ग्राहकों के रहने की अनुमति होगी। छठ करने वाले सभी लोग इस बार घर से ही करेंगे छठ। सरकार द्वारा जारी किए गए जरूरी दिशा निर्देश के अनुसार इस बार चैती छठ करने वाले सभी श्रद्धालु अपने घर से ही छठ करेंगे। गंगा घाट और तालाबों पर पटना नगर निगम कोई व्यवस्था नहीं करेगा। उक्त आदेश पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू की अपील के बाद जारी किया गया है। ज्ञात हो सरकार का यह कदम कोरोना के फैलते लक्षण और छठ के दौरान घाटों पर भारी संख्या में लोगों के जमा होने की संभावनाओं को देखते हुए लिया गया है। बंद के चौथे दिन अधिकारी भ्रमण करते आए नजर। बीते दिन बंद के चौथे दिन शहर के विभिन्न सड़कों पर अधिकारी घूमते नजर आए, जिस दौरान पुलिस ने बेवजह घूमने वाले लोगों को सबक भी सिखाया। कई लोगों पर पुलिस सख्ती से भी पेश आई। इतना ही नहीं, पुलिस ने बेवजह सड़कों पर घूमने वालों को ना निकलने की सलाह दी है। हालांकि इसके बावजूद कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। बार बार मना करने के बावजूद हर दिन सड़कों पर बेवजह लोग घूमते नजर आ ही रहे हैं।
शिक्षक संघ के सचिव ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वेतन देने की मांग। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव डॉ. सुरेश प्रसाद राय ने हाल ही में राज्य के प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है, जिसके तहत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपनी मांग रखी है। साथ ही अनिश्चित समय से सड़कों पर बैठे शिक्षकों की मांग को भी सुनने की अपील की है। ज्ञात हो बीते कुछ समय से सभी नियोजित शिक्षक अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए थे। प्रदेश में रह रहे बिहारी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए 100 करोड़ रुपए। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए साथ ही प्रदेश में रह रहे बिहारियों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में मुख्यमंत्री राहत कोष से 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान जारी किया है। खबरों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दी गई राशि से राहत केंद्र बनाए जाएंगे, साथ ही उनके रहने और खाने की सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी। मुखिया के बाद अब मेयर और वार्ड सदस्यों से बात करेंगे मुख्य सचिव। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने अब बिहार के मुखियाओं के अलावा मेयर और वार्ड सदस्यों को भी कोरोना की स्थिति से अपने अपने क्षेत्र को निकालने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही इन सभी लोगों को आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए भी कहा गया है। इतना ही नहीं, सभी मेयर और वार्ड सदस्यों को कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आने वाले 3 महीने तक मुफ्त में दिया जाएगा गैस सिलेंडर। कोरोना की स्थिति को देखते हुए पूरे देश में 21 दिन के लिए बंदी लागू कर दी गई है। ऐसे में देश की इकोनॉमी काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। वहीं रामविलास पासवान ने इन सबके बीच एक अहम ऐलान किया है, जिसके तहत उन्होंने 8 करोड़ से अधिक महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन आने वाले 3 महीने में मुफ्त में देने का आदेश जारी किया है। साथ ही उनके बैंक खाते में 500 रुपये जमा करने की भी बात कही है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने लोगों से संयम और धैर्य बनाए रखने की अपील। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने हाल ही में जनता के नाम एक संदेश जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया है उसका पालन करें और अपने घर में ही रहें, अपने और अपने परिवार जनों को सुरक्षित रखें। वर्तमान समय में लोगों को संयम और धैर्य बनाकर रखने की जरूरत है। इतना ही नहीं, अश्विनी चौबे ने सभी लोगों से 21 दिन का 21-डे चैलेंज भी दिया है। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया होगी जून में। कोरोना के कारण छात्रों की पढ़ाई से लेकर कई परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है। इसी क्रम में अब केंद्रीय विद्यालय ने भी हर साल होने वाले एडमिशन की प्रक्रिया की तारीख को आगे बढ़ा दिया है, जिसके तहत एडमिशन की प्रक्रिया जून महीने में शुरू होगी। और कुछ दिनों पहले केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक बिना परीक्षा के छात्रों को पास करने का ऐलान भी जारी कर दिया गया था। कोरोना से आशंकित लोगों की बनाई जाएगी अब लिस्ट। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार सरकार भी पूरी तरीके से सक्रिय और सजग है। वहीं बिहार में कोरोना के मामले में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। इसी बीच अब कोरोना के मामलों की पुष्टि करने के लिए सरकार ने नगर निगम और वार्ड पार्षदों को जिम्मेदारी देते हुए कोरोना से आशंकित लोगों की सूची तैयार करने का आदेश जारी किया है। मोदी सरकार ने आर्थिक पैकेज का किया ऐलान। भारत बंद के इस माहौल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70,00,000 रुपए के पैकेज में गरीबों से लेकर नौकरी तक को देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स के लिए 50,00,000 रुपए का इंश्योरेंस देने की भी घोषणा की है। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीब और दिहाड़ी मजदूरों के खाने की सामग्री की राहत देने का भी ऐलान किया है। वहीं किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 सीधे भेजे जाने का भी ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है, जिसके तहत उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से कहा है कि डॉक्टर्स और कोरोना के जीवन से खिलवाड़ मत कीजिए, बल्कि डॉक्टर्स को सुरक्षा दीजिए, नहीं तो अस्पताल खुद ही लोगों के लिए सुरक्षित जगह नहीं रह जाएगा। अगर डॉक्टर्स ही कोरोना से पॉजिटिव हो गए तो आम नागरिकों को कौन देखेगा। दिल्ली में रह रहे बिहार के मजदूर अब सरकार से मांग रहे हैं मदद। चलते लक्षण को देखते हुए सरकार ने हाल ही में पूरे भारत को बंद करने का ऐलान जारी किया था। वहीं अब दिल्ली में बिहार के रह रहे मजदूरों की मदद के लिए बिहार सरकार अब आ गई है, जिसके तहत उन्होंने सभी मजदूरों से सरकार द्वारा जारी की गई हेल्पलाइन नंबर 9818331252 और 9773711261 फोन पर मदद मांगने की अपील की है। सरकार का यह कहना है कि चाहे बात बिहार में रह रहे लोगों की हो या दिल्ली में रह रहे बिहारियों की, सरकार सबकी मदद करेगी। बंद के समय में बिहार के मंत्री बागवानी और किताबें पढ़कर गुजार रहे अपना समय। जहां एक तरफ सरकार के बार बार निवेदन के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो बंद के नियमों का पालन नहीं कर रहे, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार के मंत्री बंद के नियम का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने खाली समय में बागवानी और किताबें पढ़कर गुजार रहे हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, नंद किशोर यादव समेत अन्य मंत्रियों के नाम शामिल हैं। इतना ही नहीं, यह सभी मंत्री सरकार के फैसले का पालन तो कर ही रहे हैं, हालांकि किसी भी राजनीतिक बैठक या किसी भी राजनीतिक काम के लिए अपने घर का ही इस्तेमाल करके घर बैठे बैठे काम कर रहे हैं।
कांग्रेस नेता ने की मजदूरों को उनकी आय का 80% देने की मांग। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कादरी ने हाल ही में अपना बयान जारी करते हुए सरकार से मजदूरों को उनकी आय के 80% देने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार से दैनिक मजदूरी करने वाले कामगारों के निवास स्थल और खाने पीने के सामान को भी सुनिश्चित करने की अपील की है। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार सरकार से वर्तमान समय में गंभीरता को समझने की अपील की है, साथ ही उसके अनुसार काम करने के लिए भी कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मानी प्रशांत किशोर की बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच की अनबन अब किसी से भी छुपी नहीं है, मगर कोरोना की स्थिति में दोनों के दोनों नेता एक साथ नजर आ रहे हैं और दोनों के संबंध भी एक बार फिर से ठीक नजर आ रहे हैं, जिसका अंदाजा प्रशांत किशोर के हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किए गए धन्यवाद ट्वीट को देखकर लगाया जा सकता है। दरअसल प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना फंड में 100 करोड़ की राशि दी थी ताकि उन लोगों की सहायता की जा सके, जिसके बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबका धन्यवाद किया। नगर निगम पूरे पटना को कर रही है सैनिटाइज। बिहार में कोरोना से बचाव के लिए बिहार सरकार अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जिसके तहत अब सरकार पूरे पटना को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर चुकी है। दुकान, सड़क और सभी घरों को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, वहीं बिहार में बीते दिन 7 कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि की गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है दीपक कुमार, विनोद राज, पंकज कुमार, प्रिंस राज, विपिन कुमार, उपेंद्र मांझी, शमित खान, अरविंद कुमार, निर्मली चंदन कुमार, मंजू प्रमोद, रामजी कुमार यादव, मोहम्मद मोहसिन। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, इस बंद के सिचुएशन में आप अपने घर में रहकर कौन कौन सी एक्टिविटी करके समय बिता रहे हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।